आज सेजम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दोनों बेटों की सही जानकारी के लिए कोर्ट में याचिका लगाई गई है। तो वहीं यूपी पुलिस और बाल सुधार गृह से दोनों बेटों की सही जानकारी की रिपोर्ट चाहती हैं शाइस्ता परवीन। गौरतलब है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक के दोनों बेटों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। दोनों बेटों को पुलिस ने आरोपी बनाया है और पुलिस के मुताबिक अतीक के दोनों बेटे बाल सुधार गृह में हैं। वहीं अतीक की पत्नी का कहना है कि उनके दोनों बेटे लापता हैं और वे उनकी जानकारी चाहती हैं, इसीलिए उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज देखिए किस तरीके से अतीक की पत्नी की याचिका पर सुनवाई होनी है। अपने दोनों बेटों को लेकर उन्होंने ये याचिका लगाई है कि सही जानकारी दी जाए कि उनके दोनों बेटे कहाँ हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अहमद को प्रयागराज जाने की तैयारी भी तेज हो चुकी है। पुलिस अगले एक दो दिन में कोर्ट में वारंट बी के लिए अनुमति लेगी और इसके बाद अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जाएगा। हालांकि अतीक अहमद ने जेल ट्रांसफर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की हुई है। अतीक को प्रयागराज जाने की तैयारी तेज हो चुकी है, एक दो दिन में ये माना जा रहा है कि उनको लाया भी जाएगा। लेकिन देखिए किस तरीके से अतीक ने जेल ट्रांसफर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि वो नहीं चाहता कि उसका ट्रांसफर हो। बड़ी खबर इस पूरे मामले में हम आपको बता रहे हैं और ये भी जानकारी है कि पुलिस अगले एक दो दिन में वारंट बी को लेकर और ज्यादा सक्रिय होगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि अतीक के बेटे असद की मुंबई और गुजरात में भी तलाश की जा रही है। पुलिस को ये शक है कि हत्या को अंजाम देने के बाद असद फॉर्चुनर कार से भाग गया था और अब वो मुंबई या गुजरात में छिपा हो सकता है। गुजरात के लिए यूपीएसटीएफ की टीम भी रवाना हो चुकी है। तो वहीं नेपाल से सटे बहराइच से भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। वहां पर असद के एक पार्टनर के भाई का होटल है जो असद का ही है, जहां पर अतीक अहमद के गुर्गे आकर रुका करते थे। इसके अलावा गुड्डू मुस्लिम की तलाश भी तेज कर दी गई है। गुड्डू मुस्लिम की तलाश इटावा सहारनपुर में लगातार जारी है। गुड्डू मुस्लिम को पकड़ने के लिए एसटीएफ की 4 टीमें भी जुटी हुई है। तो देखिए किस तरीके से असद और गुड्डू मुस्लिम को लेकर यहां पर लगातार तलाशी की जा रही है, उनको ढूंढा जा रहा है। गुड्डू मुस्लिम को पकड़ने के लिए एसटीएफ की 4 टीमें लगातार जुटी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, एक्शन लगातार जारी है और जानकारी ये इस वक्त सामने आ रही है कि किस तरीके से नेपाल से सटे बहराइच से भी एक बड़ा अपडेट जो हमने आपको बताया वो सामने आया है और लोकेशन को लेकर सवाल लगातार हो रहे हैं। लेकिन ज्यादा बातचीत के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या कुछ अपडेट अभी तक इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि असद और साथ ही साथ गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन की तलाश की जा रही है, हालांकि एसटीएफ सक्रिय है, लेकिन अभी तक क्या अपडेट आपके पास? देखिए, अतीक के जो बेटे हैं असद, उनके उसके बारे में जो जानकारी मिली है, पुलिस ने कहा है कि जिस दिन ये हत्याकांड हुआ था उसके बाद से जो तमाम आरोपी थे इसमें वो सब प्रयागराज से फरार हुए और स्कॉर्पियो कार एक थी जिसमें उस जो असद है वो फरार हुआ था। इसके अलावा जो गुड्डू मुस्लिम था उसकी लोकेशन जो मिली थी वो मिली थी कि वो बस के जरिए वहाँ से फरार हुआ। बताया जा रहा कि इटावा के पास उसकी लास्ट लोकेशन देखी गई थी, चूँकि ये वो एरिया है जहां पर गुड्डू मुस्लिम जो है अपने क्राइम को अंजाम देता रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में उसने कई सारी वारदातों को अंजाम दिया है। एक मर्डर केस है इटावा में जिसमें वो मुख्य अभियुक्त है। तो पुलिस को लग रहा है कि शायद वो इस एरिया में जाके छुप सकता है, हाइड आउट हो सकती है, उसके कुछ लोग वहां पे हैं जो उसको वहां पे शेल्टर दे सकते हैं। तो इस लिहाज से पुलिस अब जो फुटेज है सीसीटीवी जो बस स्टैंड पर है उनकी तलाश कर रही है ताकि उसके लास्ट लोकेशन के जरिए उसको ढूंढा जा सके। अभी तक पुलिस के हाथ खाली है, अभी तक गुड्डू मुस्लिम या अतीक के बेटे असद में से किसी के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है। ये जरूर है कि असद मुंबई में हो सकता है, चूंकि अतीक का जो लिंक है वो मुंबई में भी और गुजरात के बॉर्डर का एरिया जो है वहां पे बहुत ज्यादा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अतीक को वहां पे शेल्टर दे सकते हैं और शायद उसी का फायदा उठा के उसका बेटा वहां पे हाइड आउट किया हो, वहां पे छुपा हो और इसकी तलाश की जा रही है। इसके पहले ये खबर थी कि वो नेपाल बॉर्डर हो सकता है, चूंकि नेपाल बॉर्डर के पास ही बहराइच में उसका एक उसके भाई जो अशरफ है उसका होटल भी है और कहा जा रहा है कि जो गुर्गे होते हैं चाहे असद हो या गुड्डू मुस्लिम उनको ढूंढ लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद।